नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। समाजवादी पार्टी MLC पुष्पराज जैन के ठिकानों पर IT रेड के बाद से ही अखिलेश यादव केंद्र सरकार पर हमलावर है। दरअसल इत्र कारोबारी पीयूष जैन के यहां रेड में 196 करोड़ रुपए कैश बरामद होने के बाद से ही IT की टीम कन्नौज और कानपुर के इत्र कारोबारियों पर लगातार रेड मार रही है, जिसमें पुष्पराज जैन भी शामिल हैं। उनका भी कन्नौज में इत्र का कारोबार है। पुष्पराज जैन के कई ठिकानों पर छापेमारी के बाद सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव केंद्र सरकार पर भड़के हुए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कन्नौज में प्रेस वार्ता की और आयकर विभाग की छापेमारी पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अखिलेश ने कहा कि मैं पहले से ही कह रहा था कि पीयूष जैन के यहाँ छापा गलती से पड़ गया। आज उन्होंने इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन के यहाँ छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया है। BJP विकास की बात तो करती नहीं और कन्नौज में जो विकास के कार्य हुए हैं वो भी इनके अधूरे हैं। अखिलेश ने कहा है कि कन्नौज का इत्र के साथ बहुत पुराना इतिहास रहा है। यहाँ के व्यापारियों ने देश और दुनिया में नाम कमाया है, लेकिन अब इस छवि को धूमिल किया जा रहा है। BJP बदले की कार्रवाई के जरिए दुर्गंध फैलाने का काम कर रही है। ऐसे छापे का नहीं पता था मुझे कि यहाँ भी छापा पड़ जाता, और मैं इस कोशिश में था कि मैं जाता पुष्पराज जैन जी के पास, उनसे मिलता और समाजवादी परफ्यूम लेकर के आता और आप लोगों को बांटता। अब बताओ मैं पुष्पराज जैन जी सीख के जाऊंगा कैसे, जिस इत्र को बदनाम किया इन्होंने। मेरा केवल ये मकसद था कि 2021 बहुत खराब गुजरा। 2021 में लोगों ने देखा है कि किस तरीके से दवाई के लिए, किस तरीके से बिस्तर के लिए, किस तरीके से लोग ऑक्सीजन के बिना मिले जान चली गई, बहुत से परिवारों के सदस्यों की जान बच जाती अगर समय पर दवाई, समय पर अस्पताल और समय पर ऑक्सीजन मिल जाती। ये मेडिकल कॉलेज ना होता तो शायद बहुत लोगों की जान चली जाती, लेकिन ये भी मेडिकल कॉलेज को पर्याप्त साधन नहीं दिए। और मुझे याद है भारतीय जनता पार्टी के विधायक के भाई डिप्रेशन में आकर के वो बताओ छत से कूद करके उन्होंने जान दे दी थी कोविड। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने कहा है कि BJP सेंट्रल एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। अखिलेश ने कहा है कि पीयूष जैन के यहां जो छापा पड़ा उससे समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। अखिलेश ने दावा किया है कि BJP की केंद्रीय एजेंसियां तब पुष्पराज जैन को ढूंढने आई थी, लेकिन छापा कथित अपने ही सहयोगी पीयूष जैन के यहां मार दिया। उन्होंने कहा कि अब BJP ने अपनी खीज निकालने के लिए इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन के यहां छापा पड़वाया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।